सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी इस नई वीडियो में। काफ़ी दिन के बाद मिल रहा हूँ एंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के बारे में फटाफट बात कर लेते हैं। उनका बिगेस्ट लॉस पॉइंट क्या रहा, क्या वो मार्को बालबुल रहे जो कि उनके फर्स्ट हेड कोच थे, देन उसके बाद में विसेंजो अल्बर्ट टेनिस आए जो कि नेक्स्ट हेड कोच रहे, देन उसके बाद में प्लेयर की बात कर लेते हैं। क्या प्लेयर में ही कुछ कमी रही कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी क्वालिफाई नहीं कर पाई इस सीज़न। सो बात करेंगे सबके बारे में, चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं मार्को बालबुल की। मार्को बालबुल की सबसे बड़ी परेशानी क्या रही, उनका गुस्सा। गुस्सा बहुत ही ज़्यादा तेज था पिच पर। जब भी आए अपने प्लेयर को हिदायत नहीं दी, जो भी कुछ रेफरी आपको पता ही है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इंडिया में, लेकिन उनको थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए था, थोड़ा कूल रहना चाहिए था ताकि हाँ उनके प्लेयर थोड़ा अच्छा करते। अब आप ही बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी कोच ही ज़्यादा गर्म रहेंगे तो प्लेयर में भी एक एटीट्यूड आ जाएगा भाई, गुस्सा आ जाएगा कि हाँ भाई ये रेफरी क्या कर रहा है, हमें भी ये सब करना है, ये है वो है। सो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती हैं। सो दूसरी बात कर लेते हैं, विसेंजो अल्बर्ट टेनिस आए, देन सबसे बड़ा रीज़न क्या रहा, विसेंजो अल्बर्ट टेनिस ने उस पर काम किया जो मार्को बालबुल बिगाड़ कर गए थे, जो प्लेयर को डिप्रेशन में डाल के गए थे, वो था सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मार्को विसेंजो अल्बर्ट टेनिस ने उसको सुधारा। एंड उसके बाद भी टीम हारती रही मैचेस को, लेकिन उसके बाद में भी एक दो मैचेस जीते, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई। देन उसके बाद में प्लेयर भी चेंज किए विसेंजो अल्बर्ट टेनिस ने, एंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का आज आखिरी मैच है और मैं चाहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी इस मैच को जीते एंड अपनी जो भाई साहब अपना स्टेट है उसको प्राउड फील कराए, यानी असम को प्राउड फील कराए। एंड उनका फेमस डायलॉग कहना चाहूँगा, बूट जला के फायर। एंड तीसरा रीज़न ये था कि प्लेयर में भी बहुत सारी कमियां हैं भाई, जो कि हेड कोच को सुधारनी चाहिए। अब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को एक काम ये करना है कि छः जो प्लेयर हैं छः फॉरेन प्लेयर को परफेक्टली उनको साइन करना पड़ेगा, बढ़िया फॉरेन प्लेयर लाने पड़ेंगे, देन एक बढ़िया हेड कोच को तलाशना पड़ेगा, बढ़िया हेड कोच लाने पड़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि अभी के जो हेड कोचेस हैं आईएसएल के उनमें से किसी को भी पिक मत करो, एक बढ़िया हेड कोच ढूंढो, एक बढ़िया टैक्टिशियन ढूंढो अपनी टीम के लिए जो कि एक टीम को परफेक्ट बना सके। जैसे कि बेंगलुरु एफसी में भी अल्बर्टो रोको आके कर रहे हैं वो काम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में हो सकता था, लेकिन नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, आने वाले सीजन काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होने वाले हैं आईएसएल के, सो उसमें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को अच्छा करना चाहिए। हीरो सुपर कप भी आ रहा है, उसमें भी पार्टिसिपेट करना है एंड काफ़ी बेहतरीन तरीके से टीम को डेवलप करना है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, जो भी लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो टाटा बाय बाय गाइस, थैंक यू। बूट जला के फायर।